ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आपको पद्म पुराण की कथा श्रवण करवाऊंगी। बंधुओं, वैसे तो हर घर में हर पुराण होना संभव नहीं है बंधुओं, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि अब मैं आपको पद्म पुराण का श्रवण करवाकर आपको पद्म पुराण की कथाएं सुनाऊं, ताकि आपको हिंदू धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा गया है इस बारे में और विभिन्न तीर्थों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में सब जानकारी मिले। बंधुओं, आप जब भी पद्म पुराण की कथा को सुने, पूरी सुने, बंधुओं भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। बंधुओं, भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर इच्छा को शीघ्र पूरी करते हैं। जो मनुष्य भी पद्म पुराण की कथाओं को सुनेंगे, भगवान उनकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, पद्म पुराण की कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखें और इस कथा को अपने मित्रों और बंधुओं के साथ शेयर जरूर करें। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, मेरुगिरी के शिखर पर श्री निधान नाम का एक नगर है, जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित अनेक आश्चर्यों का घर, बहुतेरे वृक्षों से हरा भरा है। भांति भांति की अद्भुत धातुओं से उनकी बड़ी विचित्र शोभा होती है। वह स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। वहाँ ब्रह्मा जी का वैराज नामक भवन है, जहाँ देवताओं को सुख देने वाली कांतिमती नाम की सभा है। वहाँ मुनि समुदाय से सेवित ऋषि महर्षियों से भरी रहती है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्मा जी उसी सभा में बैठकर जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनके मन में विचार उठा, मैं किस प्रकार यज्ञ करूं? भूतल पर कहां और किस स्थान पर मुझे यज्ञ करना चाहिए? काशी, प्रयाग, तुंगा, नैमिषारण्य, पुष्कर, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत से तीर्थ हैं। भूमंडल में चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं, उन सब को मेरी आज्ञा से रुद्र ने प्रकट किया है, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए उस कमल को ही वेद पाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं। इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्मा के मन में यह बात आई, अब मैं पृथ्वी पर चलूं। यह सोचकर वे अपनी उत्पत्ति के प्राचीन स्थान पर आए और वहां के उत्तम वन में प्रविष्ट हुए, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त भांति भांति के फूलों से सुशोभित था। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र की स्थापना की, जिसका यथार्थ रूप से वर्णन करता हूं। चंद्र नदी के उत्तर प्राचीन सरस्वती तक नंदन नामक स्थान से पूर्व क्रम में या कल्प नामक स्थान तक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के निमित्त वेदी बनाई। ब्रह्मा जी ने वहां तीन पुष्करों की कल्पना की। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिए, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला और विख्यात है, उसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता विष्णु हैं, और तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान रुद्र हैं। यह पुष्कर नामक वन आदि प्रधान और गुहुक क्षेत्र है, वेद में भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थ में भगवान ब्रह्मा सदैव निवास करते हैं। उन्होंने भूतल के इस भाग पर बड़ा अनुग्रह किया, पृथ्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को प्रकट किया। यहाँ की यज्ञ विधि को उन्होंने स्वर्ण और हीरे से मढ़ा दिया।
नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित करके उसके फर्श को सब प्रकार से सुशोभित एवं विचित्र बना दिया। इसके बाद लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। साथ ही भगवान विष्णु, रुद्र, आठों वसु, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण और स्वर्गवासी देवता भी देवराज इंद्र के साथ वहां आकर विहार करने लगे। यह तीर्थ संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाला है। मैंने इसकी यथार्थ महिमा का तुमसे वर्णन किया। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर संहिता के क्रम से विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस तीर्थ में वेदों का पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्मा जी के कृपा पात्र होकर उन्हीं के समीप निवास करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, भगवान, तीर्थ निवासी मनुष्य को पुष्कर वन में किस विधि से रहना चाहिए? क्या केवल पुरुषों को ही वहाँ निवास करना चाहिए या स्त्रियों को भी, अथवा सभी वर्णों और आश्रम के लोगों को वहाँ निवास करना चाहिए? कुल सत्य जी बोले, राजन, सभी वर्णों और आश्रमों के पुरुषों और स्त्रियों को भी उस तीर्थ में निवास करना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म आचार का पालन करते हुए दम और मोह का परित्याग करके रहना उचित है। सभी मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मा जी के भक्त और जितेंद्रिय हो, कोई किसी के प्रति दोष दृष्टि न करे। सब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हो, किसी के भी हृदय में खोटा भाव नहीं रहना चाहिए। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, क्या करने से मनुष्य इस लोक में ब्रह्मा जी का भक्त कहलाता है? मनुष्यों में कैसे लोग ब्रह्म भक्त माने गए हैं, यह मुझे बतलाइए। कुल सत्य जी बोले, राजन, भक्ति तीन प्रकार की कही गई है, मानस, वाचिक और कायिक। इनके सिवा भक्ति के तीन भेद और हैं, लौकिक, वैदिक, आध्यात्मिक। ध्यान धारणा पूर्वक बुद्धि के द्वारा वेदांत का जो विचार किया जाता है उसे मानस भक्ति कहते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रसन्नता बढ़ाने वाली है। मंत्र जप, वेद पाठ, आरण्यकों के जप से होने वाली भक्ति वाचिक कहलाती है। मन और इंद्रियों को रोकने वाले व्रत, उपवास, नियम, कृच, शांतपन तथा चंद्रायन आदि भिन्न भिन्न व्रतों से ब्रह्म कृच नामक उपवास से एवं अन्य अन्य शुभ नियमों के अनुष्ठान से जो भगवान की आराधना की जाती है उसको कायिक भक्ति कहते हैं। यह द्विजातियों की त्रिविध भक्ति बताई गई है। गाय के घी, दूध, दही, रतन, दीप, कुश, जल, चंदन, माला, विविध धातुओं और पदार्थ, काले अगर की सुगंध से युक्त एवं घी और गुग्गल से बने हुए धूप, आभूषण, स्वर्ण और रतन आदि से निर्मित विचित्र विचित्र हार, नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकार के जंगली फल मूलों के उपहार, भक्ष्य, भोज्य आदि नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्मा जी के उद्देश्य से जो पूजा करते हैं वह लौकिक भक्ति मानी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद के मंत्रों का जप, संहिताओं का अध्यापन आदि कर्म ब्रह्मा जी के उद्देश्य से किए जाते हैं वह वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक हविष्य की आहुति देकर जो क्रिया संपन्न की जाती है वह भी वैदिक भक्ति मानी गई है। अमावस्या अथवा पूर्णिमा को जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञों में जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है तथा देवताओं को पुरोडाश और चरु अर्पण किए जाते हैं, ये सब वैदिक भक्ति के अंतर्गत हैं। इष्टि धृति यज्ञ संबंधी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, मेघ और सूर्य के उद्देश्य से किए हुए जितने कर्म हैं वे सब देवता ब्रह्मा जी ही हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।